अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो वीडियो का मौजू है वो सर्दियों के हवाले से बड़ी अहम वीडियो है ये वाली, जो देखने से आप सब भाइयों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको यानी कि इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो ये है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि भाई मुझसे पूछते भी हैं, कॉल वगैरह भी आती हैं, मैसेज भी आते हैं। कॉमन सी बात है बड़ी एक, और मेरा खुद भी दिल था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, कि पूछा ये जाता है बार बार कि अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, कि एहसान भाई एक बड़ा आम सा मसला पेश आता है सर्दी के मौसम में कि जो मुर्गे मुर्गियाँ या जितने भी परिंदे रखे हुए हैं, जितना भी फ्लॉक हमारे पास मौजूद है, वो सारे पतली बीठें, लूज़ मोशन, सब्ज़ बीठें, सफ़ेद बीठें, कलेजी रंग की बीठें, डिफरेंट किस्म का ना उनको जन के डायरिया लग चुका है। ठीक है, ये लूज़ मोशन या डायरिया, इसका हमें कोई प्रॉपर इलाज बताएं कि ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसा होता है और इसका इलाज क्या है, या सर्दी में ज़्यादा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये थी जी आज का हमारा मौजू मैंने बता दिया आपको। अब इसका तरीक़ेकार, इसका ये होगा इलाज, इसका सॉरी ये होगा कि अगर तो आपका परिंदा सब्ज़ बीट कर रहा है, गहरी सब्ज़ बीट कर रहा है, ठीक है, पानी वाली, तब आपने ये समझ लेना है कि ये एक वायरस की निशानी है उसके जिस्म में। ठीक है, कहीं ना कहीं आसपास कोई एंडी का वायरस या कोक्सी का वायरस कहीं नमूदार हुआ और उसने आपके परिंदे के ऊपर अटैक किया। अगर आपका एक परिंदा ये काम कर रहा है, सब्ज़ बीटें कर रहा है, ठीक है, उस सूरत में आपने करना ये है, सबसे पहले इलाज से पहले आपने अपने तमाम पिंजरों के अंदर, अपने खुड्डों के अंदर, ठीक है, एंडी की स्प्रे करनी है। अगर तो आपका एक या दो परिंदे अभी सब्ज़ बीठें करना शुरू हुए हैं, बाकी ठीक है, तो आपने अपने परिंदों के अंदर, खुड्डों के अंदर एंडी की स्प्रे करनी है सबसे पहले, जो पहला काम करना है। क्योंकि जब जितनी मर्ज़ी दवाई खिला के देख रहे हैं, जितनी मर्ज़ी मेडिसिन दे के देख रहे हैं, जब तक खुड्डे ही आपके ठीक ना होंगे, वायरस उनके अंदर से नहीं निकलेगा, परिंदा कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने खुड्डों के अंदर स्प्रे करनी है जी एंडी की। अगर आपके परिंदे पतली सब गहरी बीठे करना शुरू कर चुके हैं, खुड्डों के अंदर स्प्रे करें आप। अच्छा, दूसरा काम आपने क्या करना है, परिंदे जब के सब्ज बीठे या पतली बीठे करते हैं, सफ़ेद बीठे करते हैं, तो उनके जिस्म में कुत्ते की मुदाफ़त बड़ी कम हो जाती है, उस सूरत में आपने उनको ORS वाला पानी पिलाना है। ठीक है, ORS वाला पानी पिलाना है आपने उनको, ताकि उनकी कुत्ते की मुदाफ़त कम ना हो, कुत्ते बर्दाश्त उनकी कम ना हो, पानी पीते रहें ताकि वो टांगों से गिरे ना। ORS में ना कुदरती यानी कि विटामिन वगैरह इसके अंदर होते हैं, वो इतनी ताकत देते हैं। अच्छा, दो काम हो गए। अब तीसरा एक बड़ा अहम काम जो आपने करना है, बड़ा ही अहम काम, वो ये है, इसका जो एक बड़ा यानी कि समझे इलाज तो नहीं कह सकते हम प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर ये अपने टाइम से ठीक होता है, 6-7 दिन बाद, 8 दिन बाद परिंदा ठीक होता है, लेकिन अब बर वक्त इलाज किया जाए। अच्छा, आपने करना ये है, पेंसिलिन 5 लाख और एक नैरोबियन का इंजेक्शन, ठीक है, ये आपने जो पेंसिलिन 5 लाख है वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा, नैरोबियन का जो इंजेक्शन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने पेंसिलिन को नैरोबियन के अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, टोटल 3 ml बनेगा। ठीक है, टोटल वो 3 ml बनेगा, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा, ये जो सिरिंज है ना ये वाली, ये 3 ml की है। ठीक है, ये जो सिरिंज है वो पूरी सिरिंज बनेगी, ये वाली 3 ml की पूरी। ठीक है, अब आपने जब वो तैयार कर लेना है, नैरोबियन और पेंसिलिन 5 लाख जब तैयार करेंगे, फुल 3 ml की फुल सिरिंज होती है बस, एक आपने 1 ml लगाना है, चाहे आपका पट्ठा है, चाहे आपके पास बड़ा मुर्गा है, ठीक है, आपने 1 ml लगाना है। ठीक है, मुर्गी मुर्गे और पट्ठे को 1 ml लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर कुछ भाइयों के जहन में आ रहा होगा हमारे पास कोई 2-3 महीने का चूज़ा है या 4 महीने का चूज़ा है, तो उसको 0.5 ml लगेगा, मतलब कि 0.5, ठीक है, 0.5 का मैंने उसको इतना लगेगा। ठीक है, 2-3, 2-3, 4 महीने के चूज़े तक को 0.5 ml, और अगर बड़ा पट्ठा या पट्ठी या मुर्गा या मुर्गी है उसको 1 ml पूरा लगेगा इंजेक्शन। ठीक हो गया, 3 चीज़ें बता दी। सबसे पहले मैंने बताया एंडी की स्प्रे पिंजरों में, वायरस की निशानी है गहरी सब्ज़ बीट करना परिंदे का, ये अच्छी बात भी है, अगर इसका इलाज ना करें परिंदा टांगों में बैठ जाएगा, गिर जाएगा, ताकत ख़त्म हो जाएगी, बीठें कर करके फारिग हो जाएगा। दूसरा इलाज, इसको ORS का पानी पिलाना है उसी वक्त जब सिम्टम जाहिर हो,
तीसरा आपने पेनिसिलिन विद नैनोबियन मिक्स करके कॉम्बिनेशन बना के आपने 1 ml उसके छाती के गोश्त में लगा देना जी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। चौथी चीज़ भी आपको बता दूँ, अगर थोड़ी सी महंगी है, ठीक है, वो थोड़ा सा महंगा है, अगर आप वो भी करना चाहें तो एम वाइटल हाई विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। एम वाइटल हाई या एम ई वाइटल हाई कुछ भी कह सकते हैं इसे, ये विटामिन्स मिलते हैं राउंड बोर्ड ये 700 या 800 तक ना ये मिलते हैं, 50 ml की या 100 ml की पैकिंग में भी होते हैं ये विटामिन्स। अगर आप ले आते हैं तो इसके 2 कतरे सुबह के वक्त और 2 कतरे शाम के वक्त आपने मुर्गे के या मुर्गी के या पट्ठे के मुंह में डालने होते हैं। बहुत ही पावरफुल मिनरल्स हैं, विटामिन प्रोटीन्स हैं ये वाले, ठीक है। एम वाइटल हाई, ये तो ये 4 स्टेप आपने फॉलो करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चलना आपने स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले जब 1-2 परिंदों में सब्ज़ बीट आई या सफ़ेद बीट आई या कलेजीदार बीट आई या किसी किस्म की भी ऐसी लूज मोशन या डायरिया उसे हो गया, तो ये वायरस की निशानी होती है। बीट का कलर डिफरेंट हो सकता है, कुछ भाई कहते हैं कि सब्ज़ बीट ही हो तो वायरस नहीं, वायरस किसी भी फॉर्म में नमूदार हो सकता है। वो येलो कलर की बीट भी हो सकती है बार बार आना, वो सफ़ेद बीट भी हो सकती है बार बार आना, किसी किस्म की बीट हो सकती है। तो सिम्टम होते हैं ये इसी वायरस के, तो उसके निपटने के लिए आपने क्या इकदाम करने हैं मैंने आपको अगेन बता दिया है। तो इस तरीके के साथ आप अपने फलाक को, अपने परिंदों को, अपने प्यारे जानवरों को बचा सकते हैं, ठीक है। वीडियो से मतलब अच्छा, ये जो इलाज मैंने आपको बताया है ना, ये इलाज 5 दिन तक जारी रहेगा, ठीक है। इंजेक्शन जो आपने लगाना है 1 ml वो भी 5 दिन तक लगेगा, ORS वाला पानी भी 5 दिन तक, और जो पिंजरों में स्प्रे करनी है वो आपने 1 दिन करनी है, ठीक है। इस तरीके के साथ आप अपने प्यारे जानवरों को, परिंदों को बचा सकते हैं इस मोजी मर से। तो किसी किस्म की समझ ना ही हो, कोई बात रह गई हो जो मैं बयान ना कर सका हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।